Okay, so this is the market outlook session for 4th July 2022. In this session, we will discuss about Nifty, Nifty Bank, and some of the key things that we have to keep in mind for this week. So, aaj I have shared two of my tweets on Twitter, and usme maine aapko bataya hai ki kaun se stocks the Nifty ke jinhone sabse zyada contribute kiya weakness mein aur कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया स्ट्रेंथ. ठीक है, तो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दो स्टॉक्स. जस्ट अ सेकंड. तो जो सबसे वीक स्टॉक्स थे निफ्टी के, देवर, बजाज ऑटो, टाइटन, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आइशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फिनजर्व, कोटक महिंद्रा बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक. ठीक है, तो वी हैव गॉट टू स्टॉक्स इन टू व्हीलर सेगमेंट जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया वीकनेस में. दे आर बजाज ऑटो एंड आइशर मोटर्स. दो स्टॉक्स थे एनर्जी सेक्टर में से, देवर ओएनजीसी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज. ओके, एंड थ्री स्टॉक्स वर फ्रॉम द फाइनेंशियल्स लिस्ट, देवर बजाज फिनजर्व, कोटक महिंद्रा बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. इसके अलावा लेट अस टॉक अबाउट द स्टॉक्स व्हिच हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट. They are ITC Limited. ITC was up 7% this week. Second is Hindalco Industries. Third is Larsen and Toubro. Fourth is Ultratech Cement. Fifth, Coal India. Sixth is BPCL. Seventh is Britannia Industries. Eighth is Mahindra and Mahindra. And ninth is Nestle India. So we have got three stocks from FMCG, Nifty FMCG. They are ITC. Second is Britannia Industries and the third is Nestle India. FMCG has done well this week. And the rest of the stocks are mostly from the infrastructure sector. That is Larsen and Toubro, Ultratech Cement and BPC, Coal India. Fine. So these are the stocks that that have come from the infra sector. So infra sector has done well and the FMCG sector has done well this week. Financials have not done well this week. And some of the stocks from the auto space, mainly from the two-wheeler auto space. Fine. So this was about how Nifty moved this week. Ye kuch contributors the us major movement mein. And Nifty flat rahi hai is week, because most of the time aapne dekha hoga ki we closed here last week. Yahan pe closing hui thi. Uske baad we opened at a gap up. ठीक है, gap up खोलने के बाद first day अपन ने gap up को sustain नहीं किया. We came down. उसके बाद जितने भी गैप डाउन हुए ड्यूरिंग द वीक दे वर बॉट इन. तो सारी कैंडल्स जो भी गैप डाउन के बाद बनी दे आर ग्रीन इन कलर. ठीक है, एंड मार्केट ने ये जो की लेवल है इसको होल्ड किया. तो मतलब जो गैप था वो फिल भी हो गया एंड वी हैव हेल्ड ऑन टू द लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ये लेवल नहीं टूटा. इट वॉज अ वेरी वेरी की लेवल. ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लेवल बहुत की लेवल क्यों है. ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू. तो ये निफ्टी का ओवरऑल बहुत ही अच्छा सपोर्ट था पहले. यहाँ से व्हेन मार्केट केम एट दिस लेवल इट बाउंस बैक टू 18,100. फिर उसके बाद मार्केट वापस से आया, इट बाउंस बैक अगेन टू 16,800. देन जब ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो वी नेवर गेव अ फॉलो अप ऑफ दिस लेवल. इस लेवल के ब्रेक डाउन के बाद कोई फॉलो अप नहीं आया, मतलब फॉलो अप रेड कैंडल कभी नहीं बनी. This breakdown was never confirmed. Confirmed नहीं था. ये expiry day वाला breakdown था जब निफ्टी बहुत ज्यादा गिरी थी gap up खुलने के बाद. ठीक है, तो this breakdown was never confirmed on the market. उसके बाद धीरे 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 करके मार्केट ऊपर आ गए एंड नाउ वी आर अगेन होल्डिंग दीज लेवल. ये जो लेवल है वापिस से होल्ड कर रहा है मार्केट. ये जो सपोर्ट है अब इसके ऊपर आ गया है एंड मार्केट इज ट्राइंग टू होल्ड दीज लेवल्स ऑफ 15,700. तो अब अपन को क्या करना चाहिए, वेदर वी शुड बी बुलिश या फिर अपन को वापस से बेयर स्टांस मेंटेन करके वापस से एक न्यू लो एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट. तो लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैव मेड ऑन द चार्ट्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज की निफ्टी इज सस्टेनिंग अबव 9 EMA. ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट टाइम जब अपन लास्ट वीकली क्लोजिंग मिली थी फ्राइडे को तो 9 EMA के ऊपर थी. उसके बाद मार्केट्स इंस्टेंटली गैप अप हो गए. ठीक है, उसके बाद
ड्यूरिंग द होल वीक अपन 9 EMA के नीचे वापस क्लोज नहीं हुए, मार्केट इसको होल्ड कर रहा है इस लेवल, ठीक है। लेट मी शो यू क्या किस लेवल पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया मार्केट में। सो द रेजिस्टेंस इज टेकन एट अराउंड 20 EMA, बिकॉज अपन 9 EMA के नीचे भी क्लोज नहीं हो रहे और 20 EMA के ऊपर भी क्लोज नहीं हो रहे, तो मार्केट बहुत ही थिन रेंज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है काफी दिनों से। एंड नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि जैसे ही या तो अपन इस 20 EMA लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए या 9 EMA लेवल के नीचे क्लोज हो जाए, तो वी विल डेफिनेटली गेट अ ट्रेंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो ऑल द बुल्स, जो भी बुल्स है मार्केट, जो भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक अपसाइड दिखाए, उनके लिए मार्केट को अपसाइड दिखाने के लिए 20 EMA के मार्क के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। एज सून एज वी स्टार्ट क्लोजिंग अबव दिस लेवल ऑफ 20 EMA ऑन द डेली टाइम फ्रेम, गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, देन डेफिनेटली एक लेवल मैं आपको बताता हूँ जो मार्केट हिट करेगा, दैट इज 50 EMA। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो कहाँ पे आ रहा है। So it will come at around 16,180 to 16,200, जो कि ये gap fill कर देगा। जो gap down हुआ था Nifty में, ये gap भी fill हो जाएगा if we start to sustain above 20 EMA on a closing basis, ठीक है। तो जो भी अभी तक इस week कुछ ज्यादा अच्छे से trade नहीं कर पाया because of the markets maintaining a very thin range, आपको इतनी opportunities नहीं मिली होंगी, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर मार्केट 20 EMA के ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है, स्लाइटली अबव क्लोज हो जाता है, 15,900 के पास क्लोज हो जाता है, 15,870 पे क्लोज हो जाता है, देन डेफिनेटली इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वहां पे आप दो तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज की मार्केट अभी पहले जैसे स्टेबल नहीं है एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी एंड अनसर्टिनिटी एट द सेम टाइम, तो दो तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस मूव में। वन विल बी कि या तो आप एक स्प्रेड बना लो जिसमें आप एक ITM पुट को सेल कर दोगे जो हैवी एक्सपेंसिव प्रीमियम पे होगी, और उसको आप बाय एक सस्ते वाले पुट के साथ बाय कर लोगे ताकि आपके मार्जिन्स भी कम लगे एंड आप एक स्प्रेड बना के प्रीमियम्स जो हैं उनके जो डिफरेंस आ रहा है उन पुट्स के बीच में उसको प्रॉफिट निकाल सकते हो उसके बीच का जो भी। एंड दूसरा तरीका ये है कि यू विल नॉट बेट ऑन द सेम एक्सपायरी, ठीक है। ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर मार्केट फिर से गैप डाउन हो गया अगले दिन, देन डेफिनेटली आप जो इस एक्सपायरी पे जो भी प्राइस होगा उस कॉल का, यू विल लूज दैट। तो दो तरीके से आपको बेट करना चाहिए इस मूव पे अगर आप करोगे तो। वन विल बी टू मेक अ स्प्रेड एंड द सेकेंड विल बी टू बाय अ कॉल। आप थोड़ा सा OTM कॉल भी बाय कर सकते हो, आप एक ATM कॉल बाय कर सकते हो, बट द एक्सपायरी जो आप चूज करोगे वो होगी जुलाई एक्सपायरी, ठीक है। आपको सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है, यू हैव टू मेंटेन दैट। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हाउ यू कैन कंट्रोल योर लॉसेस अगर आप इस व्यू को प्ले करना चाहते हो। आई विल नॉट टेल यू हाउ टू मैक्सिमाइज योर गेन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू मेक अ बिग मनी ऑन दिस ट्रेड, देन डेफिनेटली यू गाइज विल लूज अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस ट्रेड, ठीक है। बिकॉज अगर आप लोग प्रॉफिट देख के ट्रेड करोगे, लास्ट आई थिंक यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड उन्होंने मुझे कहा कि दे आर टेकिंग ट्रेड बिकॉज ऑफ इसमें इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था तो इस हिसाब से क्वांटिटी ले ली, दैट इज द रीजन व्हाई यू आर लूजिंग मनी इन द मार्केट्स राइट नाउ। अगर आपको पता है कि मार्केट्स अनसर्टेन है, इफ यू नो कि ग्लोबल मार्केट्स का बिहेवियर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडियन मार्केट्स को राइट नाउ, तो देन डेफिनेटली इट इज अ हाई टाइम जब आपको समझना पड़ेगा कि इवन इफ यू आर गेटिंग अ गुड ट्रेड, इवन इफ दैट इज अ वेरी गुड ट्रेड, स्टिल यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड आपको उसी ट्रेड को करने के दूसरे तरीके ढूंढने पड़े। डोंट हैव टू टेक अ वेरी हाई रिस्क इन द सेम एक्सपायरी। अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आप डायरेक्टली एक नेकेड ऑप्शन बाइंग पसंद करते हो तो आप एक कॉल लो, बट यू हैव टू प्रेफर एक्सपायरी मंथली, ठीक है, मंथली एक्सपायरी में ट्रेड। और अगर आपको उससे भी ज्यादा प्रोटेक्टेड ट्रेड लेनी है तो देन आप एक स्प्रेड बनाओ और उसमें, दैट विल बी द बेस्ट। तो आई विल बी बुलिश अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। अभी 20 EMA प्रोटेक्ट कर रहा है एंड टुमारो अकॉर्डिंग टू SGX राइट नाउ 15,840 के आसपास अपने को ओपनिंग मिल रही है जो कि 20 EMA पे होगी, यहाँ पे होगी वो। तो एक क्रूशियल लेवल पे मार्केट खुलेगा, मे बी मार्केट इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करने लग जाए,
या फिर मे बी मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए और गैप फिल करे पूरे। तो दो केसेस हो सकते हैं कल। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एक सिंपल सा स्टांस रखना है, अगर आप 20 एमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हो या फिर कल डेली क्लोजिंग दे रहे, देन यू हैव टू बी अ बुल इन द मार्केट। योर टारगेट विल बी 16,200, ठीक है। इफ यू आर सस्टेनिंग बिलो दिस 9 एमए लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, ये जो 9 एमए का लेवल मैंने आपको बताया है, लेट मी जस्ट शो यू अगेन, नाइन ईएमए का लेवल अगर आप इसके नीचे सस्टेन कर जाते हो क्लोजिंग बेसिस पे, देन यू हैव टू बी अ बीयर, ठीक है। आपका टारगेट होगा ये लेवल वापस से, जहां से ब्रेकआउट चालू हुआ है वही लेवल आपका टारगेट होगा 15,400 के पास। सो दिस विल बी योर टारगेट ऑन द डाउन साइड इफ यू आर ट्रेडिंग लाइक अ बीयर, एंड इफ यू आर गेटिंग अ ट्रिगर फॉर बींग अ बुल, देन योर टारगेट विल बी 16,200। दिस इज अ सिंपल ट्रेडिंग आइडिया फॉर निफ्टी। इसी हिसाब से आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर आपको इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है 20 एमए के, तो आपको एक बुल की तरह ट्रेड करना है। आपका फर्स्ट टारगेट 16,200 होगा, फिर जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा आपको डिप्स को बाय करते जाते हैं, और सेम वे आपको नीचे की तरफ भी ऐसे ही ट्रेड करना है। आपका टारगेट ये होगा, फिर जैसे जैसे आपको राइज मिलेगी आपको उसको सेल करना है। दिस विल बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर द वीक। लेट्स टॉक अबाउट हाउ यूएस मार्केट्स क्लोज्ड। US 100 was up almost 1%, और बाकी की जो दो इंडेक्स थी US 30 and S&P 500, वो दोनों 1% से ज्यादा ऊपर बंद हुई। That is why you are seeing a gap up on Nifty as per now. ठीक है, let us see how US futures do in the morning, but कल शायद major activity नहीं होगी US futures में because the US markets are closed to open. Let us talk about the data. Data के ऊपर बात करते हैं। तो डेटा इज स्टिल गिविंग अस अ कंफ्यूज सिग्नल, बिकॉज आपके जो एफ आईज हैं दे आर बियरिश ऑन द मार्केट, आपके जो क्लाइंट्स हैं दे आर माइल्ड बुलिश, एंड जो प्रोज है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स दे आर माइल्ड बुलिश। तो स्टिल वी आर नॉट गेटिंग अ क्लियर हिंट अबाउट द डायरेक्शंस, बिकॉज सम पार्टिसिपेंट्स आर लुकिंग बुलिश, सम पार्टिसिपेंट्स आर लुकिंग माइल्ड बुलिश। किसी की भी तरफ से बहुत एग्रेसिव स्टांस नहीं दिख, and the aggressive stance will definitely come into play once we break this thin range. So, jab tak ye market thin range mein trade kar raha hai, you will definitely see a confusion in the markets because market is trying to figure out ki ab mujhe niche jana hai ya fir ab mujhe upar jana hai. So, when this range will be cleared, then definitely aapka data bhi jo hoga, wo easily aapko ek trend dikhane lag jayega. Right now, it's looking confused. एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है कि मैं आपको मेंशन भी करके देता हूँ कि द इंडाइसेस आर नॉट कंफर्मिंग द ट्रेंड। इसका ये मतलब होता है कि जो आपका निफ्टी है, जो आपका निफ्टी बैंक है, जो दो मेजर इंडेक्स है जिन पे आप ट्रेड करते हो, वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रही है। दैट इज वाई यू विल डेफिनेटली सी अ वॉलेटाइल एंड अ चॉपी सेशन एंड नॉट अ ट्रेंडिंग मूव। तो जो भी ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते, ठीक है, जो भी इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग की तरह बाइंग एज एन ऑप्शन बायर ट्रेड करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये चीज अच्छी नहीं होती। अब आप देखिए, जैसे आप बैंक निफ्टी पॉजिटिव में ट्रेड कर रही है, बट आपका निफ्टी जो है वो रेड में ट्रेड कर रहा है। दिस इज बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉज डाउन, बट एवरी अदर सेक्टर डिड, ठीक है, और जो भी सेक्टर था एनर्जी के अलावा उन्होंने अच्छा किया। तो निफ्टी क्लोज फ्लैट, बट बैंक निफ्टी क्लोज विद गेन्स, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द डेज इन दिस वीक ऐसा हो रहा था कि निफ्टी बैंक नीचे जा रहा था बट निफ्टी ऊपर जा रहा था। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि आपको एक क्लियर ट्रेंड नहीं मिलता था। मार्केट गैप डाउन खुल रहा था, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जा रहा था, फिर हायर लेवल से फिर से सेलिंग आ रही थी, एंड यू वर नॉट एबल टू कैप्चर एनी गुड ट्रेंड ऑन द मार्केट बिकॉज आपको एक क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि मुझे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एक ऑप्शन बायर की तरह ट्रेड करते हो एंड आप रियल में एक अच्छी ट्रेड करना चाहते हो, तो ऑलवेज लुक कि आपकी जो दो मेजर इंडाइसेस है उनका ट्रेंड सिमिलर हो। बैंक्स भी ऊपर जा रहे हो, निफ्टी भी ऊपर जा रही हो, देन यू शुड डिप्लॉय योर कैपिटल टुवर्ड्स ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में तब आप एक अच्छी कैपिटल पे ट्रेड कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड। जब भी इस वीक भी ऐसा हो कि आपकी इंडाइसेस रिलेट नहीं कर पा रही हो, अवॉइड ट्रेडिंग। यही एक तरीका है जब आप समझ सकते हो कि आज चौपी डे रह सकता है और मुझे अवॉइड करना चाहिए, मुझे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखना चाहिए। अगर मुझे बैंक्स अच्छे लग रहे हैं तो लेट अस लुक एट द स्टॉक स्पेसिफिक एंड नॉट निफ्टी बैंक, बिकॉज हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करें, कुछ स्टॉक आउट परफॉर्म करें, एंड ओवरऑल इंडेक्स चौपी रहे।
तो इसीलिए आपको उस दिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को ट्रेड करना चाहिए, एंड बाकी दिन जब आपकी इंडाइसेस रिलेट कर पा रहे तब आपको ऑप्शन बाइंग कर लेनी चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट निफ्टी बैंक नाउ। तो निफ्टी बैंक हैज क्लोज अबव 9 EMA अगेन, ठीक है। ये वापस से नीचे आ गया था ब्रेकआउट करके, बिकॉज ये सस्टेन नहीं कर पाया था, गैप अप हुआ था मंडे को, बट उसके बाद क्लोजिंग नीचे दी थी, देन इट केम इनसाइड अगेन, ठीक है। फिर इसने 9 EMA के नीचे भी एक क्लोजिंग दे दी। नाउ अगेन इट हैज गॉन अबव द 9 EMA। अब एक बहुत ही क्रूशियल लेवल आ रहा है, और बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लुएंस में, दो तीन चीजों के कॉन्फ्लुएंस में अपने को एक ट्रेड मिल रही है निफ्टी बैंक। तो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन ग्रैब अ गुड 400-500 points ऑन निफ्टी बैंक इन दिस, ठीक है। तो 9 EMA के ऊपर वी हैव गॉट अ क्लोजिंग ऑन निफ्टी बैंक। नाउ वी आर गेटिंग अ रेजिस्टेंस फ्रॉम 20 EMA जस्ट एट द 2-day high। यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्ट किया, 33,659 का है ये, और यहाँ पे भी 33,666 का है। तो दोनों दिन वी हैव मेड अ सेम हाई, ठीक है। ऑल्सो वी आर गेटिंग अ 20 EMA रेजिस्टेंस ऑन द डेली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी एट दिस पॉइंट। तो जैसे ही अपन ये 2-day high को तोड़ेंगे एंड इस 20 EMA को कॉन्फ्लुएंस में तोड़ेंगे, बैंक निफ्टी विल स्टार्ट अ गुड अप ट्रेंड। डेफिनेटली यू विल सी अ गुड अप ट्रेंड, एंड दैट विल टेक यू टू द लेवल्स ऑफ, लेट मी टेल यू, दैट विल टेक यू टू द लेवल्स ऑफ 34,150 एंड 34,400 इन दिस वीक। ओके, दीज आर द टू लेवल्स दैट वी विल अचीव इन दिस वीक इफ वी आर एबल टू ब्रेक आउट ऑफ दिस जोन। लेट मी जस्ट शेयर द चार्ट्स। So this is the level where I have marked 2-day high. So जैसे ही पिछले 2 दिन का high टूटेगा, you will see some momentum in the market. अब मैं आपको बताता हूँ how can this move be played out. ठीक है, properly मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको इस trade को कैसे करना है. And अगर आप उस way में करोगे तो definitely आप बहुत protected होके इस trade में जाओगे and आप इस trade को maximize कर पाओगे. तो दिस इज द एरिया जहां पे एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रही है, ये अपन ने मार्क कर दिया है इस एरिया को, ठीक है। दिस इज अ रेक्टेंगल व्हिच हैज मार्क्ड। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ व्हाई आई हैव मार्क्ड दिस जोन। दिस जोन इज मार्क्ड बिकॉज यहाँ पे गैप डाउन हुआ मार्केट में, मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, नीचे आया, अगले दिन फिर रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे गया, फिर उसके बाद जब ब्रेक आउट भी कर दिया गैप अप करके, फिर भी यहीं पे आके सपोर्ट लिया, फिर इसके अंदर आके वापस से यहीं पे आके रेजिस्टेंस ली। तो ये जोन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल जोन। एक और जो इम्पोर्टेंट लेवल है चार्ट पे वो है ये 2-day high, बिकॉज इस 2-day high के जस्ट अबव 1 day पे आपकी 20 EMA भी आ रही है। तो व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट्स, अगर आपका निफ्टी बैंक यहीं पे खुल जाता है एंड मार्केट्स हैव टू गो, तो क्या होगा कि यू विल ब्रेक दिस जोन। ये जोन आप इजिली ब्रेक कर जाओगे, ठीक है। मतलब आप 2-day high वाला ब्रेकआउट तो दे दोगे और 20 EMA के भी ऊपर सस्टेन करने लग जाओगे। लेट अस सी कि 20 EMA एग्जैक्टली किस लेवल पे आ रही है डेली टाइम फ्रेम पे। इट इज कमिंग एट अराउंड 33,693, 33,700 राउंड नंबर्स मानता हूं। एंड जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो एक और इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है डेली चार्ट। तो व्हाट कैन हैपन, लेट मी जस्ट शेयर वन सिनेरियो दैट कैन हैपन ऑन द मार्केट्स। हो सकता है आप ब्रेकआउट कर जाओ, फिर थोड़ा सा मार्केट चॉपी हो जाए, कंसोलिडेट करने लग जाए, और फिर उस कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट है, वहां पे आपको एंट्री लेनी है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपकी एंट्री इस टाइप से हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपकी एंट्री होनी चाहिए जब मार्केट इन दोनों लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो जाए और आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि अब मैं सारे क्रूशियल लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। आई एम अबव 20 EMA, आई एम अबव ऑल द इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन रेजिस्टेंसेस। दूसरी ट्रेड ये हो सकती है कि अगर आपको थोड़ा सा अर्ली एंट्री लेनी, अगर आपको सीधा 2-day high ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेनी, लेट मी शो यू ऑन 5 मिनट्स, अगर आपको डायरेक्टली ये ब्रेकआउट आते ही एंट्री लेनी है मार्केट पे सीधा, देन वॉट यू कैन डू, इस केस में फिर आप एक स्प्रेड बनाओगे, यू विल नॉट एंटर एज एन ऑप्शन बायर डायरेक्टली। इस केस में आपको क्या होगा कि आप एक स्प्रेड बनाओगे एंड अपनी रिस्क को स्मॉल रखोगे, जो कि ऑप्शन बाइंग से थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। फिर आप उसकी तरह एंटर कर सकते हो एक स्प्रेड बना के, एंड लेटर ऑन अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता तो फिर आप एक ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, एक लॉट लेके आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप एक लॉट पे ट्रेड करते हो,
पहले आपने एक लॉट से स्प्रेड बना लिया, उसके बाद जैसे ही आपको ये लेवल का भी ब्रेकआउट मिल जाए, आप मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेड को ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं एट दैट मोमेंट, ठीक है। उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप ऑप्शन बायर भी बन सकते हो और अपनी ट्रेड को स्केल कर सकते हो। आपको मैंने दो टारगेट्स बताए, यू कैन कीप टू टारगेट्स, वन इज 34,150, द सेकंड इज 34,400। तो ये बड़ी मूव कैप्चर करने के लिए दिस शुड बी योर माइंडसेट, इस टाइप से आपको ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज अगर आप यहीं से ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हो और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर इसको फेक ब्रेकआउट बना देता है, तो स्टिल यू विल हैव अ वेरी वेरी स्मॉल लॉस, क्योंकि अभी तक आपने स्प्रेड ही बनाया। और जब आपको कंफर्मेशन मिल रही है उसके बाद आप ऑप्शन बायर की तरह भी एंट्री लेके बड़ी मूव को कैप्चर कर सकते, देन यू विल मैक्सिमाइज योर विनर, आपका विनर भी मैक्सिमाइज हो जाएगा, कि आप ऑप्शन बाइंग वाली साइड पे भी पैसा बना लोगे और जो आपने स्प्रेड बनाया उसको आप कंफर्टेबली ट्रेल करके होल्ड कर पाओ, तो आपकी दोनों ट्रेड्स में पैसे बन गए। दिस शुड बी योर प्लान फॉर निफ्टी बैंक। ये दो प्लान बताया मैंने आपको, एक निफ्टी का एक निफ्टी बैंक का। आपको जहां भी अच्छी ट्रेड मिल जाए यू हैव टू टेक दिस वीक एंड उसमें आप अपना पैसा बना सकते। लेट अस टॉक अबाउट अदर फ्यू इम्पोर्टेंट सिग्नल्स। आई थिंक कि कुशल ने पूछा था मेरे से, कुशल आस्क्ड मी कि मैं वॉच लिस्ट कैसे बनाता हूँ मॉर्निंग में। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ हाउ आई डिसाइड कि आज मुझे क्या ट्रेड करना है। अगर मैं स्टॉक्स ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब जैसे मुझे समझ आ गया कि निफ्टी या निफ्टी बैंक में तो आज इंडाइसिस रिलेट नहीं कर पा रहे, तो आई हैव टू अवॉइड द डे बिकॉज इतना क्लियर ट्रेंड नहीं है एंड मार्केट्स थोड़ा चौपी रह सकते। तो ऑन दोज डेज आई ट्राई टू प्ले स्टॉक स्पेसिफिक, एंड उस डे पे मैं क्या करूँगा, लेट आई विल जस्ट ओपन द NSE साइट इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या स्टॉक्स अच्छा मॉर्निंग में ट्रैक्शन, ठीक है। फिर मैं 6 स्टॉक्स ऐड करूंगा अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पे, ठीक है, एंड आई विल ट्रैक प्राइस एक्शन ऑफ दोज 6 स्टॉक्स। फिर मैं एक कंफर्मेशन लूंगा कि क्या वो स्टॉक्स जो मैं चुन रखे हैं, मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, वो उस सेक्टर में आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा ट्रैक्शन में। अगर आ रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली गो विद दो स्टॉक्स। अब मैं आपको बता दूँ, जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक यहाँ पे आपका एशियन पेंट्स आ रहा, ठीक है। एशियन पेंट्स वॉज अ पार्ट ऑफ माई वॉच लिस्ट, और एक नीचे स्टॉक आ रहा था ONGC, ठीक है। तो ये दो स्टॉक्स आपने देखे थे कि काफी बढ़िया मूव करे थे। ONGC एनर्जी सेक्टर में था, वो 12% डाउन, उसमें आप सेल करके पैसे बना सकते थे, बिकॉज ये वीकेस्ट सेक्टर था इस दिन, और इस सेक्टर में जो भी स्टॉक फॉल कर रहा है उस पर आप सेल करके पैसे बना सकते। द हाइएस्ट गेनिंग सेक्टर वॉज निफ्टी FMCG, वॉज 2.82% अप, मतलब कि आपके जो भी FMCG कंज्यूमर ग्रुप्स में आते हैं स्टॉक्स, वो सारा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। द रीजन वॉज कि आपका जो क्रूड है अगर वो कूल होगा तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट ऑल दी सेक्टर्स, तो इस वजह से एशियन पेंट्स वॉज गिविंग अस अ गुड प्राइस एक्शन। लेट मी शो, एशियन पेंट, ये मैंने पोस्ट भी डाला था, यू हैव सीन, आई होप यू हैव सीन दैट। तो इसने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, फॉलो होती आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, पूरे दिन आप इसको ट्रेल करते, बढ़िया तरीके से ट्रेल हो जाता एंड आपको इजीली 1:2 दे देता। तो या तो आप ये ट्रेड ले सकते हो जो आपके सेक्टर, आपके स्टॉक सब चीजों को कंफर्म कर रहा है, स्टॉक आपने सुबह ट्रैक्शन में जो था वो उठाया, उसके बाद आपने कंफर्मेशन ली यस कि ये सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, तो आई थिंक वी कैन गो विद दिस। फिर उसके बाद जब वो आपको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन दे रहा है तब आप उस पर ट्रेड, जब आपके पास ये 2-3 कंफर्मेशन आ गई तो डेफिनेटली दिस ट्रेड विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फॉर। अनदर स्टॉक दैट आई सिलेक्टेड वाज अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे श्री सीमेंट आ रहा था, यहाँ पे LT आ रहा था, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था वो भी फोकस होता, तो आई सिलेक्टेड अल्ट्राटेक सीमेंट। श्री सीमेंट्स आई डोंट ट्रेड, ठीक है, मैं ट्रेड नहीं करता, ये है 19,000, ठीक है, तो आई डोंट लाइक टू ट्रेड मच इन दिस, इतना अच्छा मुझे नहीं लगता ट्रेड करने के लिए। आई सिलेक्टेड अल्ट्राटेक बिकॉज ये काफी टाइम से वॉच भी कर रहा था, तो दिस गेव अ गुड मूव, वेरी गुड मूव अबव इट्स क्रूशियल रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया, कन्फर्मेशन आई, उसके बाद एंट्री ली एंड बाय द एंड ऑफ द डे इट वॉज इट गेव अराउंड 1:1 तो दे दिया था, फिर आपका मार्केट क्लोज होता, तो वी डिडेंट अचीव 1:2 बिकॉज लास्ट में इसमें मूव आया, लास्ट में ये ट्रेड ली गई थी एंड 1:1 से ज्यादा इसने दे दिया, मतलब 30 points स्टॉप लॉस में इसने 40 points दे दिए थे बाय द एंड ऑफ द। दीज वर द टू थिंग्स दैट वी सिलेक्टेड।
और अगर कोई वीकेस्ट सेक्टर पकड़ रहा है तो देन उसमें से आपको जो भी ऑयल एंड ये वाले स्टॉक्स थे वो मिल जाते हैं आपको एनर्जी से। दिस इज हाउ यू हैव टू सेलेक्ट। आप पहले 5-6 स्टॉक्स ऐड कर लो एनएससी में जाके, 5 से 6 स्टॉक्स ऐड कर लिए आपने। फिर लाइक आईटीसी डिड वेल, आईटीसी भी आ रहा था आपका, ठीक है, तो आईटीसी ओपन फ्लैट, ठीक है। फिर आपको ये भी दिख रहा था कि एफएमसीजी इज डूइंग वेल, तो डेफिनेटली अगर आप एक बायर हो तो आप उस स्टॉक को पिक कर सकते हो, एशियन पेंट्स, आईटीसी, ऑल दी स्टॉक्स। अगर आप सेलर हो तो देन डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉर एनर्जी स्टॉक्स। एनर्जी स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स आ जाते हैं, लाइक रिलायंस, ओएनजीसी, ऑल दी स्टॉक्स। तो आपको एक कंफर्मेशन मिल गया कि जो स्टॉक मैंने चुना है वो उसी सेक्टर में आ रहा है जो आज सबसे ज्यादा या तो वीक है या तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली अब जो इस सेक्टर के साथ मूव आएगा वो मुझे हेल्प करेगा मेरी ट्रेड को 1:2, 1:1 इजीली अचीव कर। तो दैट इज हाउ यू डू हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। अगर आपको समझ आया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आपके इंडाइसेस रिलेशन में नहीं, जैसे कि मुझे क्लियरली समझ आ गया था कि इंडाइसेस आज रिलेशन में मूव नहीं करते, तो हेयर इट वॉज क्लियर कि या तो ऑप्शन बाइंग आज करना नहीं। और फर्स्ट डे भी था महीने का, तो फर्स्ट डे ज्यादातर आप अवॉइड ही करो ऑप्शन बाइंग, तो बढ़िया रहता है आपके माइंड सेट के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे सब अच्छा चालू करना चाहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट डे को अच्छा चालू करते हो तो इट इज अ साइकोलॉजी कि आपको ऐसा लगता है चलो इट कुड बी अ गुड मंथ, और आपका फर्स्ट डे थोड़ा बैड चला जाता है तो आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हो, डीमोटिवेटेड हो जाते हो। उस वजह से फर्स्ट डे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उतना ज्यादा एग्रेसिवली रिस्क नहीं लेता, मैं थोड़ा सा लो रिस्क करके ट्रेड करता हूँ, इक्विटी ट्रेड करता हूँ, दैट इज बेटर। फिर जब फर्स्ट डे बढ़िया सी ट्रेड हो जाती है देन इट बूस्ट योर मोमेंटम, इट बूस्ट योर मोटिवेशन, और आप कॉन्फिडेंट होके फिर अगली बार से ट्रेड कर पाते हो। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको पहले दिन इतनी रिस्क नहीं लेनी तो कीप योर रिस्क लो, और उसके बाद आपको समझ भी आ गया कि इंडाइसेस रिलेशन में नहीं है तो यू हैव टू गो फॉर स्टॉक्स। फिर आपने स्टॉक्स पे जाके देखा कि ये वाले स्टॉक्स वही स्टॉक्स है जो आज ट्रैक्शन में, तो आई कैन बी अ बायर इन दी स्टॉक्स, और फिर उनको आपने ट्रेड। दिस इज हाउ अ ट्रेडिंग प्लान वर्क्स। ये होता है आपके लिए ट्रेडिंग प्लान, जिसमें आपको पता है कि मुझे निफ्टी में कब बुल बनना है, कब बियर बनना है, निफ्टी बैंक में कब बुल बनना है, कब बियर बनना है, इनको कब ट्रेड नहीं करना, ओके। एंड जो आपके स्टॉक्स है उनको आपको कब ट्रेड करना है, जब आपके इंडेक्स रिलेशन में नहीं है तो आज आप स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, एंड जिस दिन आपको लो रिस्क ट्रेडिंग करनी है बढ़ती, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट गोज। एंड इसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया कि हाउ यू हैव टू प्लान योर ट्रेड्स इन एडवांस। आपको अपने डे को कैसे एडवांस में प्लान करके चलना है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा, ठीक है। दिस इज हाउ इट्स डन। सो आई होप यू गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क दोज डाउट्स फ्रॉम मी इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज आस्क योर डाउट्स एंड देन वी विल क्लोज इन। हेलो सर। ओके हाय सर। निफ्टी, हाँ जी, हाँ जी सर, कैन यू हियर मी? यस 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 सर। निफ्टी में जब हम वॉच लिस्ट जो उसमें देखेंगे स्टॉक्स में सर, तो उसमें कभी ज्यादा स्टॉक्स होंगे तो सर उसमें हम कैसे सिलेक्टिव होंगे कि निफ्टी वाले में हम? हाँ सर बता दो, बता। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा क्या है ये समझ होनी चाहिए कि आप किस सेक्टर को पिक कर ले। जैसे कि आई टुक एशियन पिक्स, ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने श्री सीमेंट मैं नहीं करता ट्रेड, तो मैंने अल्ट्राटेक कर लिया, एक एलटी रख लिया, एक आईटीसी रख लिया, ठीक है, और ओएनजीसी रख लिया, टाइटन रख लिया। सपोज करो कि मैंने 5-6 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छे से जो ओपन हो रहे हैं वो मान लो, मतलब जिसमें सबसे ठीक ठाक गैप अप है, और जो सबसे ज्यादा पुअर ओपनिंग दे रहे हैं, ठीक है। ये दो तरह के स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, एक तो जो सबसे बेकार ओपनिंग देते हैं, एक जो सबसे अच्छी ओपनिंग देते हैं। उन दो पे आपको बेस्ट ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज जो सबसे बेकार ओपनिंग दे रहे हैं हो सकता है वो उस दिन का सबसे वीक स्टॉक हो, एक जो सबसे ज्यादा अच्छी और स्टेबल ओपनिंग दे रहा है हो सकता है वो उस दिन का सबसे ज्यादा अच्छा स्टॉक। तो आपको उनमें से एक वॉच लिस्ट बनानी है, वो आपने सुबह एनएससी की साइट पे आके बना ली। उसके बाद वो 6 स्टॉक्स में से आपको शुरू के 15 मिनट में ये समझ आ जाएगा कि आज कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है। जैसे लिस्ट बनी हुई है, मेरे को शुरू के 15 मिनट में दिख गया था कि एफएमसीजी बढ़िया कर रहा है, इसने प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट दे दिया, आपका जो एनर्जी है वो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है। आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि हाँ मार्केट में ये वाले जो सेक्टर है ये क्लियर ट्रेंड में आज। उसके बाद आप जो स्टॉक को पिक किया है, जैसे मैंने एशियन पेंट किया वो आता है एफएमसीजी, अल्ट्राटेक किया वो आपके इंफ्रा सेक्टर में आता है, तो दे आर डूइंग वेल, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि हाँ जो सेक्टर अच्छा कर रहा है मैं उसी के स्टॉक चुन रहा हूँ,
तो ये मेरी ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी बनाएगा, समझ रहे हो। अगर मेटल्स वीक है आज और मैं मेटल्स को शॉर्ट करूंगा तो मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूँ, और मैं ट्रेंड के साथ जाऊंगा तो डेफिनेटली 10 में से 7 बार पैसा बनाऊंगा, 2-3 बार में पैसा खो सकता। ऐसी आपको ट्रेड, दिस इज हाउ यू वर्क ऑन योर प्लान। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके सर, ओके। और किसी का डाउट, स्टॉक रिलेटेड डाउट मत पूछो। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना तो वो डाउट पूछो, दैट विल बी बेटर। बिकॉज अगर आप स्टॉक रिलेटेड डाउट पूछोगे तो ज्यादातर स्टॉक रिलेटेड डाउट आप क्लियर कर सकते हो, आपको प्राइस एक्शन की काफी समझ होगी। बट आप जो प्रॉब्लम्स फेस करते हो दैट आर बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, जहां तक मैंने नोट किया। हाँ जी, कोई पूछ रहा था, प्लीज पूछ। कुछ पूछना है तो गाइस आप पूछ सकते हैं अभी, एंड उसके बाद वी विल क्लोज द। सर जैसे हम फिक्स्ड वाइज लिस्ट कुछ रखे हैं, जैसे वो 52 वीक हाई और 52 वीक लो जोन में ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे हम पहले कुछ ट्रेड करते थे तो आपके सेटअप पे आप बताए थे कि प्रीवियस डे हाई या लो पे, टुडे हाई जैसे आप नहीं बताए थे कि रेजिस्टेंस ब्रेक करे, तो जैसे मेरा पहले से वॉच लिस्ट है तो उसमें कैसे ट्रेड करे, उसमें लेवल्स आने पर ही उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने पर ट्रेड करे। बिल्कुल, देखो 6 तरह के सेटअप मैं आपको बताता हूँ एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर जो आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत सिंपल सेटअप्स, इन पे फोकस करोगे तो आपका आधा काम होता है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मार्केट। फर्स्ट थिंग इज कि पहले आपको एक प्लान बनाना आना चाहिए, अगर आप प्लानिंग अच्छे से कर लोगे तो आप बिल्कुल अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेड कर पाओगे। अगर आप थोड़ा अनप्लान जाओगे तो देन डेफिनेटली थोड़ा सा आप केओस कर दोगे नेक्स्ट डे, बिकॉज अगर आपके कुछ अजीब सा होगा, जैसे आपने कुछ बायस बना रखा है दिमाग में कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ने बॉटम बना दिया, जैसे काफी लोग ऐसा बायस रखते हैं माइंड में, मार्केट का टॉप बन गया बॉटम बन गया, अगर आप ऐसे बायस बना के ट्रेड कर रहे हो तो देन डेफिनेटली अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कुछ हो गया नेक्स्ट वो आप थोड़ा सा डर जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और फिर आप कुछ केओस में कुछ भी कर दो, दैट विल डेफिनेटली मेक यू अ लूजिंग ट्रेड। आप उस साइड पे आ जाओगे जो डेफिनेटली उस दिन लूज करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया इंट्राडे, इंट्राडे में आपको 6 तरह की ट्रेड्स लेनी आनी चाहिए। फर्स्ट वन इज प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट्स। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रेड्स कब ली जाती है, जब कोई सेक्टर ट्रेंड में, उसका कोई स्टॉक ट्रेंड में और वो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट या प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली उस मूव को कैप्चर करना है, ये फर्स्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी मानो। सेकेंड होती है कि आप क्रूशियल लेवल पे ट्रेड करो, क्रूशियल लेवल्स क्या होते हैं, गैप, गैप बहुत क्रूशियल लेवल होता है बिकॉज वहां से मेजर एक्टिविटी होती है ओवरनाइट, समझ रहे हो, मार्केट गैप डाउन हुआ फिर जब वो वापस गैप पे आएगा तो वो एक लेवल हो जाएगा जहां पे वो वापस से गिर सकता है उधर आके, बिकॉज वहां से एक हैवी ओवरनाइट एक्टिविटी या कुछ हुआ था पास्ट में, तो उस गैप पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर जाते वक्त तो वो एक सेलिंग जोन है, वहां पे आपको ट्रेड मिलती है सेल करो, नीचे का गैप फिल कर रहा है मार्केट वहां से रिवर्सल दिखा रहा है तो उसको आप बाय कर सकते, ये दो सेकेंड स्ट्रैटेजी है जो आप गैप्स पे करते हो। थर्ड स्ट्रैटेजी होती है कि आपको एक स्टॉक मिला प्रीवियस डे हाई पे और वो सेक्टर उस दिन वीक है तो आप उसको सेल कर दोगे, ठीक है, बिकॉज वो प्रीवियस डे हाई पे तो वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, वहां पे आप उसको सेल कर दोगे। अगर कोई स्टॉक प्रीवियस डे लो पे आता है और वो सेक्टर तेजी में, स्टॉक भी तेजी में आ जाएगा अपने आप प्रीवियस डे लो से, उसको आप बाय कर सकते हो रिवर्सल, तो या तो आप रिवर्सल ट्रेड करोगे या ब्रेकआउट ट्रेड करोगे या क्रूशियल लेवल को ट्रेड करोगे, 3 तरह के सेटअप होते हैं, मतलब बाय और सेल करोगे तो 6 हो जाएंगे, बस इनको ट्रेड कर, आपका इंट्राडे का सारा गेम सॉल्व हो जाएगा एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आपको चार्ट, इतने में आप इंट्राडे आराम से सक्सेसफुली कर सकते हो। और सर प्लानिंग का मतलब समझाएं, जैसे एक दिन पहले अपना प्लान करके रखना है, पहले से लेवल सब लगा कर अभी जैसे, हाँ अभी जैसे आपको बताने से पहले मैंने कुछ देखा होगा थोड़ी देर, ठीक है, कि मैं पहले मूविंग एवरेजेस चेक की एक आधी क्या चल रहा है, फिर निफ्टी का चार्ट देखा इसके ऊपर चल रहा है इसके नीचे चल रहा है, वीकली पे मंथली पे कैसा लग रहा है, डेली पे कैसा लग रहा है, निफ्टी बैंक देखा, फिर कुछ स्टॉक्स देखे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया। तो आप इतना भी मत करो, अभी आप बिगनिंग में हो तो आप इतना भी मत करो, आप कुछ चीजें देखो, निफ्टी बैंक देखो, निफ्टी देखो, निफ्टी के सारे सेक्टर्स देख लो, उसमें से आप लिख के रख लो ये बुलिश है बियरिश,
फिर जैसे जैसे आपका एक व्यू बन जाए उसको प्लान बना लो पूरा, सारी कंफर्मेशन ले लो, एक प्लान बना लो, फिर उसको ट्रेड करो, ये ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसे करूंगा, और ऐसा होगा तो मैं अवॉइड, तीनों चीजें पता हो। अगर आप इसमें क्लियर हो जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। आप एकदम कंफ्यूज होकर ट्रेडिंग करने जाओगे तो देन डेफिनेटली लॉसेस पक्का होंगे आप। अगर आप प्लान हो तो आप उस लॉस को भी एक्सेप्ट करोगे। ट्रेलिंग कैसे करें जैसे बैंक निफ्टी में? ट्रेलिंग, ट्रेलिंग तो देखो ईएमएस से हो जाती है, प्राइस एक्शन से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आपका एक लेवल देखो, सबसे बेस्ट ट्रेलिंग जो मैं आपको बताऊंगा ना अभी, वो ये होती है। मान लो आपका ये लेवल टूटा तो डेफिनेटली ब्रेकआउट हुआ, तो इस लेवल के नीचे आपका स्टॉप लॉस आ गया। फिर ये दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूटा तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। एक तरीका तो ये होता है, अगर आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो तो ये तरीका होता है ट्रेल करने का। दूसरा तरीका होता है ब्रेकआउट की ट्रेड को ईएमए से ट्रेल कर लो, और बाकी जो ब्रेकआउट की ट्रेड है उसको आप प्राइस एक्शन से भी ट्रेल कर सकते हो। रिवर्सल वाली जो ट्रेड होती है या फिर कोई कंसोलिडेशन में अगर ट्रेड लिए रेंज में, तो उसको आप ट्रेल बहुत धीरे धीरे करा करो। बस ये तीन तरीके आपको रिवर्सल, ये सारी चीजें जो ट्रेलिंग वाली है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली समझाऊंगा। बट टुडे आई थिंक अभी इस वीडियो में इतना ही टाइम है, वी हैव एंड इसको आई विल बी अपलोडिंग दिस ऑन यूट्यूब। आप एक बार और देख लेना अगर आप कुछ भूल जाओ तो, फॉर रेफरेंस। एंड वो अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दो। व्हेनेवर आई विल बी फ्री, मैं व्हेनेवर जब भी मैं फ्री हूंगा आई विल चेक एंड टेल। अनुराग भाई ये करेंसी कुछ करेंसी का भी वीडियो आ जाएगा। ओके ओके, वीडियो आ जाएगा आउटलुक का, आप वो देख लें फॉर रेफरेंस। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू जस्ट पॉजिंग दिस वीडियो एंड यू कैन लेटर ऑन गो एंड चेक दिस वीडियो आउट ऑन यूट्यूब आल्सो। अगर आपको जरूरत है तो आप यूट्यूब पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।